100 चल रहा है। और यहाँ पर मनोज जी बधाई हो पहले तो आपको बहुत बहुत, आज पाकिस्तान की जीत के पीछे हमारी खुशियों का यहाँ पर जो कारण बना हुआ है। और ये बात समझी भी जा सकती है अंकुश, क्योंकि भारतीय टीम के लिए अगर आगे प्लेऑफ की राह देखनी है तो बहुत जरूरी है, जरूरी था कि जो जीता है वो जीतता चला जाए ताकि दूसरा स्थान जो है दूसरे स्थान की जगह खाली रहे और हम न्यूजीलैंड को हराएं। और झटका खाना क्योंकि बड़ा बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि भारत ने पहला झटका खा चुका है पाकिस्तान से, तो ऐसी स्थिति में अगर आज जैसे पाकिस्तान जीत जाए क्या इंडिया को फर्क पड़ता है? उस धड़े के एक रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए, मैं दुआ नहीं मांग रहा था, मेरा ये था कि हाँ अगर पाकिस्तान जीतता है तो भारत के लिए अच्छा होगा और मैं वही चाहता कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन मैं उसके लिए दुआ नहीं। खुश हैं आप? हाँ ठीक है, भारत के लिए नहीं फर्क पड़ा आपको? मुझे तो नहीं पड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन भारत मैच अच्छा हो गया, मैंने मैच देखा, मैंने उस मैच को क्रिकेट मैच की तरह एंजॉय किया बिना किसी प्रेशर के, अनलाइक जो इंडिया पाकिस्तान का मुझे भी नहीं था या इंडिया और किसी और टीम का। तो मैं कहता कि हाँ बदला मांच से भरा हुआ क्योंकि इस मुकाबले में भारत खेल नहीं रहा था, लेकिन भारत की उम्मीदें और भारत का यहाँ पर वर्ल्ड कप में बने रहना ये इस मुकाबले के ऊपर निर्भर करता था, क्योंकि न्यूजीलैंड यहाँ पर अगर आज जीत जाती तो वहां भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पर प्रिय पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने ये जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, मतलब पांचवें और सातवें नंबर के बल्लेबाज ने छठे विकेट की पार्टनरशिप में वो जो तूफान लेके आया, एक समय में लग रहा था कि मैच कहीं ना कहीं अड़ गया है, लास्ट मोमेंट पे जाएगा, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ये इस मैच में भी देखने को मिला। लेकिन यहां पर हम पाकिस्तान के प्रदर्शन की चर्चा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का लगभग सेमीफाइनल पहुंचना तय है, इस बारे में दोनों एक्सपर्ट्स बताएंगे, हमारे क्रिकेटर्स मैदान में उतरे हुए हैं तो वही बताएंगे कि सेमीफाइनल पहुंचना तय माना जाए। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान के लिए यहां से लड़ाई मुश्किल होती है, आसान होती है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पाजी आपके साथ शुरू करूंगा, क्योंकि अब कुर्सी जो है एक रह गई है। अगर देखें पाकिस्तान दो जीत के बाद सेमीफाइनल ना पहुंचे और उनके सामने जो ओपोनेंट से आप, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और भारत के दामाद शोएब मलिक, सानिया मिर्जा के हस्बैंड, शोहर ने आज 26 रन 20 गेंदों में किए और वो एक बढ़िया पारी थी उस समय वहां पे खड़े रहना। अगर यहाँ पे विकेट गिर जाती इनकी तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे टेल संभल पाती वहां पे पाकिस्तान की। लेकिन आसिफ अली की तारीफ करनी होगी, 12 गेंदों में 27 रन और उन्होंने जो एक ही ओवर में दो छक्के लगाए थे वो कमाल के वहां पर रन थे। मुझे लगता है कि वो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैच की सबसे ज्यादा जरूरत उस समय उन रनों की थी जो आसिफ अली के पास मैच आ रहे। ये अगले दिन ना मायने नहीं होते, हार हार होती है, जीत जीत होती है। पाकिस्तान वेल प्लेड, पाकिस्तान के लिए जो चीज अच्छी हुई ये कि एक तो उनको दूसरी जीत मिल गई और दूसरा जो पिछले मैच में हमने डिस्कस भी किया था कि उनका मिडिल ऑर्डर क्या उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, वो भी आज उनको पता चल गया कि वो कितना कर सकते हैं और कितना नहीं, क्योंकि ओपनर्स तो क्या कर सकते वो हमने देख ही लिया था इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन आज उनका जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है उसने लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर उनका है कि उस वाले पूल से जैसा सिनेरियो बन रहा है, इंग्लैंड नंबर वन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और इधर से पाकिस्तान नंबर वन, इंडिया नंबर टू, और ऐसी स्थिति में बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हालांकि अब ये दूर की बात है, और उसमें हम जीते इंडिया और पाकिस्तान और फाइनल एक बार फिर से खेलने का अवसर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको और ऐसी वीडियोज मिल सकें। थैंक यू।